Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णववृन्दैः जय श्रीप्रभुपादैः जय पिताय गौरप्रेमानन्दे हरे हरे कृष्णा माताजी मैं आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए इसकी वजह से मैं कहा वशिष्ठ से गुरु से और शिक्षा गुरु से मैं क्या क्या सुना आप सबको बोल पाऊंगी। थैंक यू सो मच माता जी आप सब मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। और आज का टॉपिक है मुझे दिया है सेकेंड कैंटो से 9th चैप्टर 14 एंड 15 श्लोकास के बारे में बताने के लिए। सो ये पूरा चैप्टर है ब्रह्मा जी का और भगवान का दोनों का कन्वर्सेशन होता है। सो ये चैप्टर में हमको 46 श्लोका से पहले 3 श्लोकास में क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को एक चैप्टर में पूरा प्रश्न ही पूछा था। वो प्रश्न में एक क्या था ये जीव को भौतिक शरीर क्यों मिलता है करके उनको आंसर आपको पहले 3 श्लोकास में मिलता है। बाद में 4 to 8 श्लोकास में वो ब्रह्मा जी ने वो गर्भोदक साई से बाहर आने के बाद वो लोटस में बैठने के बाद उनको क्या करना है मालूम नहीं पड़ता है। सो इसके लिए वो अंदर जाके देखता है पूरा डार्क है कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो ऊपर आने के बाद उनको तापा साउंड सुनाई देता है। सो ही अंडरस्टैंड ओके मैं अभी तपा करना है चाहिए करके वो 1000 ईयर्स ये तपस्या करते हैं। करने के बाद भगवान संतुष्ट होके उनको दर्शन देता है। कैसा पहले ये एक ऑर्डर का जैसा देता है पहले उनको वैकुंठ का दिखाते हैं बाद में वैकुंठ का लोक कैसा है दिखाते हैं वैकुंठ का लोक कैसा ट्रैवल करते हैं मीन्स वो ये एरोप्लेन में कहाँ से एक से जगह एक कैसा जाते हैं वो सब देखते हैं। हम सोच रहे हैं अभी आजकल हम साइंटिस्ट सब लोगों के नॉलेज बढ़ के ये सब बना रही है एरोप्लेन रॉकेट्स सब सोच रहे मगर ये सब पहले ही भगवान ये सब हम है करके हमको ये शास्त्र की वजह से हमको पता चल रही है। सो ये ऐसा ही 9th श्लोका से 18 श्लोका तक हमको ये भगवान वैकुंठ का और भगवान का दर्शन दिखाते हैं। बाद में हमको 19 to 25 श्लोका में भगवान वो संतुष्ट होके आपने कुछ मांगो ओके आप इतना अच्छा काम किया तपस्या किया मैं संतुष्ट हो गया आपके लिए आप कुछ मांगो करके देन ब्रह्मा जी ने उनको 4 क्वेश्चंस पूछता है उनका आंसर समाधान के बदले चतुश्लोका हमको आता है वो आप सब लोग बाद में सुनने वाले हैं। सो वो चतुश्लोका आता है लास्ट में ये ज्ञान भगवान से क्या ज्ञान मिला वो परंपर से कैसा नीचे गया वो सब भी हमको बताते हैं इसमें ये चैप्टर में ये सब हमको मालूम पड़ने वाला है। मगर अभी तक हमने क्या सीखा है अभी तक भगवान ने
वैकुंठ का दर्शन दिखा दिया, बाद में लोक कैसा होता है दिखा दिया। 13th श्लोका में आपको लोग उधर कैसे ट्रैवल करते, एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाता है वो दिखाई दिया। अभी 14th श्लोका में क्या है हम देखेंगे। श्रीर्यत्र रूपिण उरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्कं श्रिताया कुसुमाकरानुगैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई है और वसंत के अनुचर भैरों का द्वारा विचलित होकर वे ने केवल विविध विलास अपनी सहेलियों की सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रहे हैं। सो इधर हमको लक्ष्मी जी का दर्शन भी हो रहे से पहले लोक का, बाद में उनका कैसा कैसा होता है, वो लोग कैसा रूप धारण होता है, चार चतुर्भुज का होता है, ये सब दिखाई दिया। बाद में वो लोग कैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो बोल दिया। अभी लक्ष्मी जी का दर्शन दिखा दे रहे भगवान। सो ब्रह्मा जी कैसा देख रहे लक्ष्मी जी को, वो दिव्य रूपधारी। क्यों लक्ष्मी जी को दिव्य रूपधारी बोल रही है, क्योंकि हम सबको पता है ये भगवान का अंतरंगिक शक्ति राधा रानी, दादा रानी से ही ये गोपिया, राधा रानी, लक्ष्मी जी ये सब आते हैं। सो इसकी वजह से वो रूपधारी, दिव्य रूपधारी, वो आंतरंगिक शक्ति है भगवान का, इसकी वजह से उसको दिव्य रूपधारी बोल रही है। सो वो क्या कर रही है उधर लक्ष्मी जी, भगवान का चरण कमलों को प्रेम पूर्ण से सेवा कर रही है। सो हमको पता है नववेद भक्ति का, नववेद भक्ति में हमको श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम, सॉरी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम। सो पाद सेवनम में उसका आता है ओके, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सो वो चार वाला पाद सेवनम में हमको किस याद आता है, तुरंत हमको वह लक्ष्मी जी याद आती है। सो हम सब लोग किसी का पीछे पड़ जाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजा करो, लक्ष्मी जी घर पे आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हम सोचते रहते हैं। मगर इधर लक्ष्मी जी क्या कर रही है, भगवान की चरण कमलों का प्रेम पूर्ण से सेवा कर रही है। सो हमको इसमें हमको क्या सीख लेना है, हमने लक्ष्मी जी का पीछे नहीं, लक्ष्मी जी क्या कर रही है, वो सेवा कर रही है। सो लक्ष्मी जी को कोई भी कभी भी पूछा तो आप क्यों सेवा कर रहे हैं, आपको सेवा करने की जरूरत नहीं, मैं भगवान का आंख मेरा ऊपर पड़ना है तो मुझे सेवा भी करना है, देन ओनली भगवान मुझे देखता है करके, इसलिए वो कभी भी भगवान का चरण कमल छोड़ते नहीं है। ऐसा पाद सेवन करने वाला बहुत सारा लोगों को हमको पता है, भरत महाराज राम का पादुका रख के उनका पाद सेव करते हैं, लक्ष्मण जी कभी भी देखो भगवान का पाद सेव करते हैं। सो ऐसा बहुत सारा लोग है, बलि महाराज उनका वामन देव का पांव रख दिया। सो ये चरण कमल इतना सुंदर होता है, हमने कभी भी देखो उनका चरण कमल को, वो पद्म के लोटस फीट करके बोलते रहते हैं ना, चरण कमल करके। सो इसके लिए यो इधर एक एग्जाम्पल भी दे रही है भैरों का, भैरों का क्यों, क्योंकि एक कमल होता है तो उनको ऑलरेडी वो उसका अंदर अमृत होता है, उसका हानि हानि क्या बोलते हैं, सो उसको लेने के लिए वो आकर्षित होके उसी का नजदीक घूमते रहते। ऐसा ही हम भगवान का चरण कमल में आकर्षित होके उन्हीं का सेवा करने में हम लगी रहना चाहिए। सो वही बोल रहे, और ये एक ही नहीं है, दूसरा काम क्या कर रही है, वो सब सहेलियों के सहित वो सेवा कर रही है और भगवान का लीलाओं का गुणगान भी कर रही है। सो हमने वैकुंठ जाना है, भगवान का पास जाना है, तो हमने ये दो काम जरूरी करना है, क्या है, एक सेवा, एक दूसरा भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये दोनों करने से ही हम जा सकते हैं। बहुत सारा लोग सोचते हैं साधना बहुत अच्छा, साधना करना चाहिए, साधना के साथ हम
कभी भी सेवा भी करना है। सेवा करने से ही हमका वो दासी का लक्षण आ जाएगा, दास और दासी का लक्षण। नहीं है तो हमने साधना करते भी घमंड रहते हैं, वो घमंड की वजह से हम भगवान के पास नहीं जा सकते। सो भगवान के पास नहीं तो वैकुंठ के पास जाना ही है, तो एक ही मार्ग है भगवान का सेवा। सो और भगवान का सेवा नहीं तो एटलीस्ट वैष्णव का सेवा, क्योंकि हमको पता है शिव जी ने पार्वती को बताते हैं वो श्लोक का आराधना, वो मध्य लीला पे आता है हमको चैतन्य चरितामृता में, आराधनाम सर्वेशम विष्णो आराधना आराधनाम परम तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सो हमने भगवान डेटी वर्शिप करना चाहिए देवताओं को, मगर उसमें टॉप मोस्ट क्या है, सबके ऊंचा क्या है, भगवान का करना है। भगवान से भी ऊंचा क्या है, भगवान का भक्त का, क्योंकि भगवान और भक्त दोनों जुड़ के रहता है इसकी वजह से। सो इधर हमने क्या सीख लेना है, क्योंकि आप लक्ष्मी जी को एक और नाम क्या है, चंचला, वो कहाँ भी एक जगह नहीं रुकते है करके बोलते हैं, मगर इधर क्या कर रही है, वो उधर ही बैठ के सेवा कर रहे है। इसके लिए मुझे एक स्टोरी याद आ गया, मैं बताऊंगी। एक बार लक्ष्मी जी ऐसा ही सेवा कर रही, तो नॉर्मली वैकुंठ में भगवान अनंत शेष में लेटे रहते हैं और चरण कमलों को लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है। सो एक टॉर्टाइस, टॉर्टाइस को आप लोग क्या बोलते हैं पता जी, कछुआ। ओके, वो धीरे धीरे भगवान का पास आते रहते हैं। सो आते रहने के बाद वो भगवान का चरण कमल के पास जाना है तो पहले वो अनंत शेष का ऊपर आना पड़ेगा। सो वो ट्राई कर रही है ऊपर आने के लिए, फिर से क्या हो रही है, वो नीचे गिर रही है, क्योंकि वो सांप कैसा होता है, वो बहुत स्मूथ रहता है। सो इसके लिए वो नीचे गिर रही, फिर से ट्राई कर रही। सो वो उधर लक्ष्मी देवी को उसको सहायता करने के लिए मन हो रही है, मगर कैसा करे, पाम इस हाथ में, हाथ भगवान का पाम सेवा कर रहे थे, इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे, मगर वो मन में हो रही है इनको सेवा करूं, मैं उनको सेवा करूं करके वो फीलिंग आ रहे थे, मगर वो भगवान को समझ में आ गया। सो भगवान ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं वो बचवा को दूसरा चांस देता हूँ, वो बहुत अच्छा, इसका भी ज्यादा अच्छा सेवा करने का मौका देता हूँ करके बोलते हैं। आप सबको याद है रामायण में राम और सीता दोनों को ये गुहा ने वो रिवर गंगा नदी को पार करने के लिए एक केवट करके एक सैनिक को नहीं वो पोर्टमैन को क्या बोलते हैं, सॉरी माता जी हिंदी वर्ड से याद नहीं आ रही है मुझे। सो वो केवट को लगाते हैं नौका, नौका वाला, माता जी नो प्रॉब्लम, इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम माता जी। ओके, सो नौका वाला है, उनको पार करने के लिए वो नौका लेके आता है, मगर वो गुह का बोलते है नहीं नहीं मैं पहले भगवान का चरण कमल धोना चाहता हूँ, बाद में ही उनको नौका में बिठाते हो करके। नो आप क्यों करते हो, चाहिए तो आपको नौका में बिठा के करो। नो 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 मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि भगवान एक बार उनका चरण कमल का धूल गिरने से क्या हो गया, एक पत्थर ने अहल्या बन गया था। सो मेरा इतना क्योंकि वो वुड के साथ वो बनाते हैं ना नाव, इसमें बहुत सारा है वो वुड का, वो इसकी वजह से वो सब लेडी बन गया, तो मैं इतना लोगों को कैसा संभालूं, ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं पहले ही भगवान का चरण धो के बाद में उनको लेके जाऊंगे करके। सो पहले उनको चरण अच्छे से धोता है, वो पानी पीता है, बाद में भी फिर से नीचे रख दिया तो पाँव वो धूल ही आ जाएगा करके, वो उसका पाँव ही रख के उसका भगवान को लेके आके अंदर बिठाते। वो बिठाने के टाइम पे, वो धोने के टाइम पे पूरा टाइम सीता को देख के हंस हंसते रहता है एक केटव, क्यों करके पता चला तो वो तब याद आता है, वो लक्ष्मी जी उसी दिन वो बचवा को भगवान का पास आने के लिए सहाय करना चाहते हैं, वही बचवा अभी केटव बन के इधर भगवान का सेवा किया। सो इतना निरंतर सेवा करना चाहती है वो लक्ष्मी जी, मगर हम क्या है, क्या करते, ओके आज मेरा मूड है मैं आज सेवा करूंगी, कल मेरा मूड नहीं मैं नहीं करूँ, ऐसा नहीं, हम निरंतर भगवान का सेवा करना चाहिए, वही सीख हमने इधर
ये श्लोका से हम ले रही है। सो वैकुंठ में क्या है हमको दिखाई दे रही है, ओनली सेवा ही सेवा और भगवान का लीला को की गुणगान कर रही है। सो भगवान का गुणगान करने के लिए हमने बहुत सारा भी सुना था, गोपिया भगवान के विरह में क्या करते हैं, भगवान का लीला गुणगान करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, भगवान उनके पास है, वो फीलिंग आता रहता है। और ओल्डन डेज में हमारा मेरे चाइल्डहुड टाइम पे भी मेरा घर पे कुछ काम, वो खेत पे काम कुछ भी कर रहे तो वो लोग गाना गाते रहते हैं, भगवान का कुछ ना कुछ गाना गाते रहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको एनर्जी भी आता है, कभी भी उनको वो टायर्ड भी नहीं होता है, क्योंकि वो अभी में थकावट हो गया ऐसा फीलिंग नहीं होता है। और हमने दामोदर आरती में भी देखा था, यशोदा मैया वो बटर निकालने के लिए वो क्या करती है, वो भगवान का गुणगान करती है, अभी कौन सा लीलास किया वो सब याद रख के छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल करके गाना गाते गाते वो मक्खर निकालती रहती है। सो ऐसा ही सब हम सब भी क्या करना चाहिए, कुछ भी हमारा घर पे अंदर काम करते, कभी कभी आलसी होते हैं हम, कभी कभी थकावट होते हैं, वो सब दूर करना है तो हम भगवान का एक गाना लगा दो, भगवान का स्टोरी याद रखो, ये सब करते करते हम काम कर दिया तो हमको आनंद भी मिलता है, थकावट भी नहीं होता है। सो ये सब करने से हमको भगवान का पास जाने का भक्ति भी हमको बढ़ जाएगा। मैं बहुत सारा लोग सोचते रहते हैं ऐसा ही, सो हम भी ऐसा करके भगवान के पास जा सकता है। ये श्लोक सो दूसरा श्लोक ले लेंगे 14th। ददर्श तत्र किल सात्वतां पतिं श्रियपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रै परिसेवितं विभुम्। सो हमको इधर ये श्लोक में क्या बता रहे, ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा। सो अभी लक्ष्मी जी को देखने के बाद किसको देखा, ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी लक्ष्मी जी के पति। सो इधर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, को कैसा है वो भगवान, वो भगवान सप्त समुदाय का भगवान, भक्त का समुदाय में है वो, सात्वतां पति ओके, वो भक्तों का पति है, स्वामी है, लक्ष्मी जी की श्रिय पति, लक्ष्मी जी की पति है, समस्त यज्ञों का पति, यज्ञ पति है वो, तथा ब्रह्मांड के स्वामी है, जगत पति है। सो आज चार बार यूज किया, ये कैसा है भगवान का, ये गुणगान भगवान का कैसा हो रही है, ये श्रिय पति, सात्वतां पति, यज्ञ पति, जगत पति, और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अर्हण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित है। सो इधर भी देखो, उनका भक्त और पार्षद अग्रगणी का पार्षद लोग पे वो लोग भी क्या कर रहे हैं, भगवान का भी सेवा कर रही है। सो ये सब भगवान कभी भी अकेले नहीं होता है, भगवान का साथ निश्चित रूप से भक्त होते हैं, उनका पार्षद लोग भी आते हैं। सो हमको वो भगवत गीता में भागवत में हमने बहुत सारा टाइम हमने सुना था, भगवान अकेले नहीं आता है, भगवान आने के पहले उनका पार्षद लोग आके उनको पूरा तैयारी करके रखते हैं। हमने देखा अभी प्राइम मिनिस्टर है हमारा, कोई आ रही है तो घर को हम क्या करते हैं उधर ओके, उनके लिए पूरा तैयारी करते हैं, पहले उनका पार्टी का लोग जाते हैं, अभी मेरा मास्टर आने वाले हैं, उनके लिए मैं पूरा तैयारी करूंगी, अच्छे से उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है। सो एक सब देखभाल करते हैं, कैसा नीट है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है उधर, ये सब देख के अच्छे से सफाई करके ऐसा रखते हैं। सो सेम ऐसा ही भगवान भी अकेले कभी नहीं आते, उनका पार्षदों के साथ ही आता है भगवान। सो ये हमको इधर सीख मिल रही है, भगवान के एक बार प्रभुपाद जी ने एक आदमी ने पेंटिंग करता है ओनली कृष्णा का खड़ा करके एक पेंटिंग करता है, देन प्रभुपाद ने बताया ये मायावादी है, क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं होता है, भगवान के साथ कोई ना कोई, हम देखो कभी ना भगवान के साथ गाय होता है, नहीं तो पिकॉक होता है, नहीं तो गोपीस होता है, नहीं तो राधा रानी होता है, हमारे ऑल्टर में भी देखा तो राधा कृष्णा, क्योंकि भगवान
कभी भी उनका पार्षदों का शक्तियों का ये सबके साथ आता है, अकेले कभी भी नहीं आता है। सो चैतन्य महाप्रभु आने के पहले उनका माता पिता को नीचे भेजता है, वो आने के बाद उनका द्वारा भगवान आ सकता है, नित्यानंद प्रभु को भेजता है, अद्वैत प्रभु को भेजता है, सबको ऐसा एक एक सबका भगवान का शक्ति सब आते रहता है। और नहीं तो हमने अल्टर में कृष्ण बलराम को रखते, राधा कृष्णा को रखते, पंचतत्व को रखते हैं, ये सब क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं होता है। सो ये सीख हमको इधर मिल रही है, और इधर भी सब लोग सेवा ही कर रहे। सो पहले हमने सात्व दाम्पति, सात्व दाम्पति के बारे में सुना, तो भगवान भक्तों का रक्षा करते रहते हैं, समुदाय के स्वामी है सात्व दाम्पति। सो ये सात्व दाम्पति का हमने बहुत बार हमने श्लोकास में, भगवत गीता में, भागवतम में बहुत बार आता है, वो भगवान सात्वताम पति अपिशेषु दुराशरो भजते माम अनन्य भाग, वो भगवान भक्तों का रक्षा करते हैं कभी भी देख, ऐसा करके हमने देखते हैं। वो एक एग्जांपल है समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में वो असुरास और देवतास दोनों एक ही काम कर रही है, क्योंकि वो समुद्र को मंथन करना किसके लिए कर रहे, अमृत के लिए कर रही है, एक ही प्लेस है, दूसरा जगह नहीं है, मगर एक को अमृत मिला एक को अमृत नहीं मिला, क्या है कारण? क्योंकि ये भगवान क्या बोलते हैं वो सुन रही है, बट असुर लोग भगवान क्या बोलते हैं वो नहीं कर रही है। इसकी वजह से अभी भक्तों को अब कभी भी स्वामी बोल के वो भक्तों भगवान क्या बोलते हैं वो मान के वो करते रहते हैं। सो भगवान कभी भी देखो, इसके लिए हमने आपको अभी 10th चैप्टर में भी आपको आ जाएगा, स्थानम करके पोषणा करके, पोषणा मीन्स भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। सो इधर ऐसा नहीं है, भगवान सबको रक्षा करते हैं, सबको कृपा दिखाते हैं, मगर क्या है हमने करने का तरीके। इधर ब्रह्मा जी को इतना कृपा ही दिखा दिया, मगर सब लोग बोलते देखो भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। नहीं, भगवान का कृपा दिखाते रहते मगर हम लेते नहीं। अभी देखो इतना धूप आ रही है मेरा ऊपर, मैंने किटकी बंद करके कृष्ण सूर्य ने मुझे ये किरणों मेरा पास नहीं आ रही है करके बोल दिया, तो कैसा होता है? सो भगवान कृपा दिखाने के लिए तैयार है, मगर हम लेने के लिए रेडी नहीं है, वो हम खोल के नहीं रखते, वही प्रॉब्लम है। मगर भगवान के वो कृपा देने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सो हमारा तपस्या, हमने वो सेवा ठीक ठाक से नहीं किया तो ऐसा होता है। सो वर्षा गिर गया तो पत्थर में भी एक ही जैसा आता है, समुद्र में भी एक ही जैसा आता है, सब जगह एक ही जैसा ही होता है, मगर वो लेने में होता है, कितना आप ले रही है, आप खुल के वो भगवान का कृपा लेने के लिए तैयार होना है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए करके दूर रख दिया तो वो भगवान हमको रक्षा नहीं करे। सो वो ही है सात्व दाम्पति का मतलब। नेक्स्ट श्रेय श्रियापति, या सिमिलर श्लोक आपको ऑलरेडी सेकंड कैंटो में फोर्थ चैप्टर में 20th श्लोक होता है, आप सब लोग तो याद होगा, उधर में भी आपको 8 पति आता है, श्रियापति धियापति ऐसा करके, श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पतिर गति शांतक वृष्टि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति, ऐसा ही पति पति करके उधर भी हमको सुखदेव गोस्वामी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। इधर ब्रह्मा जी हमको अब सुखदेव गोस्वामी फिर से भगवान का लक्षण, वो श्रियापति, क्योंकि ये श्रियापति लक्ष्मी जी किसका है पति, भगवान लक्ष्मी जी का, सॉरी लक्ष्मी जी का पति भगवान है। हम सब लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पीछे पड़ता है, मगर अभी देखो मैं रोहित राधा पंकज प्रभु कभी भी देखो यही बताते रहते, दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजा करते रहते हैं, मगर लक्ष्मी जी का पूजा किया, अभी मैंने किसी का घर जाना है, किसी का पार्टी में जाना है, मुझे बुलाया, मेरा हस्बैंड को पति को नहीं बुलाया, देन वो मैं आने के लिए तैयार होता है संतोष, हैप्पी हैप्पी से मैं जा सकती हूँ संतोष से? नहीं, क्योंकि हम भी ऐसा ही करना है, वो श्रियापति भगवान है, वो भगवान को ऑलरेडी हमने बुलाया पूजा किया तो ऑटोमेटिकली उनका पत्नी भी संतुष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी जी भी वो उनके साथ ही भगवान के साथ आ जाएगा, मगर हमने ये ओनली लक्ष्मी जी को आवो करके बुलाते, वो नहीं करना चाहिए, वो सीख। और ये भी ऐसा हमको
ब्रह्म संहिता में होते हैं, चिंतामणि प्रकरसत्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। औ इतना वो उधर धूलि मिट्टी कुछ भी नहीं होता है, मगर भी भगवान का वो उधर सेवा, क्योंकि भगवान का पांव कहाँ होता है, उधर कुछ भी धूल नहीं होना है करके बार बार वो मार्जनम वो क्लीनिंग करती रहती है, क्योंकि सहस्र शत सहस्र मीन्स वो लक्ष्मी देवी लैक्स ऑफ लक्ष्मी देवी उधर सेवा करते रहते हैं। सो इसके लिए हमने लक्ष्मी श्रियापति करके भगवान का ही पूजा करना चाहिए, वो हमको पता चल रहे। नेक्स्ट यज्ञ का पति, सो हमने यज्ञ किसके लिए करना चाहिए वो हमको मालूम पड़ना चाहिए। हमको भगवद्गीता में भी है वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानम वो श्लोका भी है। सो हमने यज्ञ किसके लिए करना है, भगवान के करना है, दूसरा किसी को नहीं है। हमको थर्ड चैप्टर में कर्म लोकोयम कर्म बंधन हमने यज्ञातर कर्णोन्यत्र लोकोयम कर्म यज्ञ भगवान के लिए करना है, नहीं है तो वो कर्म हमको बस जाएगा, हमने इधर ही घूमते रहते हैं। सो इसलिए यज्ञपति कौन है, भगवान है। और लास्ट में जगत का पति, क्योंकि पूरा ये ब्रह्मांड में क्या हो रही है, भगवान से ही ये ब्रह्मांड आ रही है। सो ये सबका पति कौन है, भगवान है। सो हम इसको जगत का और भक्तों का लक्ष्मी देवी का यज्ञ का सबका है भगवान है। वो भगवान कैसा आ रही है पार्षदों के साथ, वो सबका सेवा है। सो अभी हमको सेवा करना है, पता चला वो भगवान अकेले नहीं आता है, सबके साथ आता है, शक्तियों के साथ आता है, वो सब भी पता चला, मगर सेवा कैसा करना है वो मालूम पड़ना चाहिए हमको। सेवा कैसा करना है उनके लिए चैतन्य चरितामृतम में एक स्टोरी आता है, सो वो बोल के मैं खत्म करूंगी। सो ये सेवा भाव कैसा होना है, पूरा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। मैं ये किया तो मुझे ये बेनिफिट आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी आइटम देखा तो वो भगवान का सेवा पे, मैं भोग नहीं हूँ, भगवान ही भोग है। सो भगवान के लिए वो यूज करना है। हमारा भक्ति कितना बढ़ गया कैसा पता चलेगा हमको, हमने एक वस्तु को एक किसी का वस्तु को भगवान का संबंधी की देखना चाहिए, वो एक एक कैसा भगवान का सेवा में यूज कर सकती हूँ। ये भगवान का एक आदमी को, ये नहीं तो एक डिगोटी को, नहीं तो किसी को भी देखा तो, किसी वस्तु को भी देखा तो वो भगवान का संबंधित में हमने याद रखना चाहिए। सो तभी हमारा, नहीं तो वो वस्तु देखने के बाद ये मैं एंजॉय करूं इसके साथ ऐसा हमारा फीलिंग आ गया तो देन हमने भक्ति में आगे नहीं बढ़ रही है, सो नीचे जा रही है, वो हमको समझ में आना चाहिए। सो एक स्टोरी है चैतन्य चरितामृतम में, गोविंद दास करके उनका सर्वेंट होता है। सो वो उसका डेली काम क्या है, भगवान को खाना देना, खाना परोसना और उनका पाद सेवन करना था वो सोने के पहले। सो ये दोनों काम था। सो उस दिन क्या हो गया, भगवान ने इतना प्रीचिंग सब करके वो घूम घूम के आने के बाद इतना टायर्ड हो गए, थकावट हो गया था, वो उधर ही ये दरवाजा होता है ना, दरवाजे के पास ही वो गंभीर में कोई लेटे रहते हैं। सो वो सो गया था। अभी उसको भगवान को पांव का दबाना था, भगवान का पांव सेव करना था। सो कैसा जाना है, अभी भगवान को क्रॉस करके उस तरफ जाना है गोविंद जी को, क्योंकि ये दरवाजे के पास लेट गया था। सो इसने सोचा अभी देखो मैंने भगवान का सेवा करना है, इसके लिए मुझे पाप लगा तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा करके एक टॉवल डाल के उसका ऊपर से जंप मार के इस तरफ आके भगवान को सेवा करता है। सो वो सेवा भगवान से पांव का सेवा करने के बाद, सेवनम करने के बाद वो फिर से जाके प्रसाद लेना था, मगर इस बार क्या है, उसका प्रसाद उसका भूख मिटने के लिए था, मगर इसने क्या किया, मैंने नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही बैठ के भगवान कब उठेगा तभी चैतन्य महाप्रभु तभी जाके मैं खाना खाऊंगा करके ऐसा ही बैठते। देन मॉर्निंग भगवान उठने के, चैतन्य महाप्रभु उठने के बाद बोलते हैं आप क्यों खाना नहीं खाए, आपका प्लेट उधर ही पड़ा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं करके, नहीं नहीं आप सो रही है ना, आपको क्रॉस करके मुझे जाना नहीं चाहता था, इसके लिए बैठा था, आप उस तरफ से इधर आ गया उस टाइम पे पाप नहीं लगा, अभी क्यों लग रही है करके पूछते हैं। नहीं नहीं भगवान, क्योंकि उस टाइम पे आपका सेवा करना था,
सो इसके लिए मुझे कुछ भी वो प्रॉब्लम नहीं, मगर अभी मेरा स्वार्थ का सेवा था सो, क्योंकि मेरा भूख मिटने के लिए सो उस टाइम पे मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सो ऐसा हमने सेवा स्वार्थ भाव का बिना हमने सेवा किया तो भगवान संतुष्ट हो जाता है, हमारा भक्ति भी बढ़ जाता है। सो ऐसा ही हमने भगवान के पास जा सकते हैं। सो कभी भी हमने भगवान का गुणगान करना है, भगवान का सेवा करना है, किसी का चीज देखने से हमको कृष्ण का संबंधी याद आना चाहिए। सो ये सब हम याद रख के हमने आगे बढ़ दिया तो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, इसमें इधर लेकिन जो स्टार्ट था आपका, जो केवट वाला जो स्टोरी था वो सुना, और लास्ट में जो भी गोविंद दास जी का जो सेवा भाव का सुना, तो उसे हम लोग देखते हैं कि कैसा भगवान का सेवा करने के लिए वो ये नहीं सोचते कि मुझे पाप लगेगा, लेकिन अपनी इंद्रियों के लिए मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो भगवान का सेवा ऐसा जो आपने एक कंक्लूजन दिया कि सेवा भाव के लिए हमको निपा कहना कि इवन हमको चाहे जो भी तकलीफ हो पाप लगे हम लोग अपना सेवा करते रहना चाहिए। जैसे मेरे को बहुत अच्छा अपना जो गोपिया है उनका भी स्टोरी याद आता है, जिसमें वो जो भगवान कृष्ण का हेडेक होता है तो वो जब बोलते हैं नारद मुनि को मुझे चरणों का धूल चाहिए, तो गोपिया झाड़ झाड़ के अपना सब कपड़ा झटा झाड़ के इधर उधर नाच के सब धूल देती, तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप लोग को डर नहीं लगता क्या कि आपको पाप लगेगा? तो बोलते हैं नहीं, बोला अगर भगवान कृष्ण का सर अच्छा हो जाएगा और हमको पाप भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, निस्वार्थ भाव यू आर कल्टीवेट करने के लिए मैसेज। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। माता जी आवाज आ रहा है मेरा बराबर? यस यस प्रभु। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, आपका क्लास हमेशा सुंदर रहता है और आज भी काफी सुंदर था क्लास है और मैंने पूरा क्लास आपका सुना। माता जी एक चीज, दो चीजें थी मेरे पास आपसे। एक तो ये कि आपने ये बताया कि एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण का फोटो बनाया, शिला प्रूपा जी ने बोला कि ये मायावादी होते हैं, भगवान को हमेशा अकेले रखते हैं। तो कई वैष्णव संप्रदाय में हम देखते हैं केवल राधा रानी को भी साथ में नहीं रखते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को मानते हैं। और मगर प्रभु उधर भी वो भगवान के साथ गाय तो कुछ तो कुछ रखते हैं प्रभु, अकेले भगवान को नहीं रखते हैं। सो वही प्रभुपाद ने बताना चाहते हैं, क्योंकि उनका शक्ति कोई ना कोई उनके साथ आता है, भगवान अकेले नहीं आता है करके। हरे कृष्ण माता जी, आपका आवाज शायद नहीं आ रहा था मुझे, आप रिपीट करेंगे प्लीज? हरे कृष्ण सुनाई दे रही है माता जी? जी अभी है माता जी, प्लीज आप रिपीट करें। नहीं मैं क्या बोल रही थी माता जी, भगवान के साथ नहीं तो गाय को, बर्ड्स को, श्रीनाथ जी टेम्पल में देखा हमने कैसा सजावट करते हैं उनका गाय के साथ, ये सबके साथ ऐसा, मे भी राधा रानी को नहीं रखे तो भी, मगर ये गाय को ऐसा एक जीव शक्ति को किसी न किसी के साथ ही खड़ा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बता रही है भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, भक्तों के साथ होता है करके बताने के लिए प्रयास किया। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। माता जी बस मैंने एक चीज ये रिपीट कीजिए आप, जो मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो आपने जो बलराम वाली कहानी सुना, अनंत विशेष वाला सुनाया था आपने, आप उस वक्त नेटवर्क कनेक्ट खत्म हो गया था, अगर एक मिनट में इसको रिपीट कर देते फिर से बताऊं प्रभु? हाँ बस थोड़ा सा आ गया समय हो तो। हाँ या नो प्रॉब्लम माता जी, पूरा क्लास में आवाज नहीं आया ठीक से।
नहीं नहीं माता जी, पूरी क्लास में बराबर आवाज था, अभी से कल ओके. सो उधर ये लक्ष्मी जी भी निरंतर कैसे करते, उसके लिए मैंने एग्जांपल ये स्टोरी लिया था, क्योंकि ये भगवान कभी भी वो वैकुंठ में कैसे है अनंत शेष में लेटे रहते हैं. सो वो लक्ष्मी देवी उनका पाद सेवन करते रहते हैं. सो उसी टाइम भगवान का चरण कमल के पास आना चाहते हैं, नस्तिक आने के बाद वो ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो अनंत शेष का ऊपर आना है. अनंत शेष एक ऐसा होता है वो स्मूथ होता है. सो वो फिर से गिर रही है, थोड़ा ऊपर आ रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर आ रही है, नीचे गिर रही है, स्मूथ की वजह से वो ऊपर नहीं जा पा रहे. सो उनका मन पे, लक्ष्मी जी के मन पे कैसा लग रहे थे, अभी मैं इनको सेवा उनको सहायता करना चाहते है, मगर ये हाथ भगवान का पांव दबाने में है, वो निकालना नहीं चाहते. सो वो निरंतर ऐसा करती है. सो इसके लिए वो मन पे सोच रही है कैसा हेल्प करूं उसको करके. देन भगवान को समझ में आके भगवान ने बोलता है नो प्रॉब्लम, इनको इसका बिना बहुत अच्छा सेवा करने का मौका देता हूँ, डोंट वरी करके. सो इसलिए वो कैटव केवट केवट बन के वो राम जी का पांव धोता है. धोने के टाइम पे वो सीता देवी को देख के हंस हंसते रहते हैं, क्योंकि उस दिन आपने मुझे सेवा करना चाहते, इसकी वजह से भगवान मुझे अभी ये सेवा दिया. सो इसलिए हमने सेवा करने का मन हम अंदर आना चाहिए, देन भगवान हमको खुद हेल्प करते हैं. सो ये स्टोरी इसलिए बताइए प्रभु. थैंक यू माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. और ये सब हमने क्या क्या देखता है ऊपर बाहर, सब भी भगवान के साथ संबंधित क्यों रखना चाहिए. इसलिए एक बार प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक पे जाते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे तो नल एक खोल के रखते हैं, पानी नीचे गिर रही थी, भगवान बोलते हैं शिष्य को जाके वो नल बंद करो, ये हमारा नहीं है, क्यों करके, ये सरकारी कहे सरकार लोग देखे कह करके. प्रभुपाद ने बताते ये सरकार का नहीं है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, किसका है, भगवान का है. सो भगवान का वस्तु किसी पे भी हमने ऐसा क्या बोलते हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके, दोबारा नहीं करना चाहिए. सो इसके लिए हमने कभी भी कुछ भी देखा तो वो भगवान के साथ ही है. सो भगवान का शक्ति मिलावट है उसमें करके ऐसा देखना चाहिए उसको. अमरेंद्र प्रभु एक्चुअली एक एग्जाम्पल बताते है, क्योंकि ये सेवा भाव से कैसा है हमको जया विजया का श्राप के बारे में पता है हमका स्टोरी. सो उसमें भगवान किसका पक्ष लेता है, जया विजय का, क्योंकि जया विजया कभी भी देखो वो सेवा भाव में होता है. सो उनका तरफ ही बात करते हैं भगवान. सो इसलिए हमने कुछ भी देखा कोई भी देखा वो भगवान का सेवा पे यूज करना है. सो वो सेवा भाव से ही हमने भगवान को हमने प्रसन्न कर सकता है. हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर आपने एग्जांपल बताया, थैंक यू सो मच माता जी. और किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज, नहीं तो माता जी को और भी सेवा होगी तो आइडिया मिले. हरे कृष्णा.